हेलो दोस्तों, ये हमारी घोड़ी रोशनी है। इसकी अगर एज की बात की जाए तो इसकी एज है 14 से 15 साल, और अगर हाइट की बात की जाए तो हाइट में ये घोड़ी है 64 इंचेस। ये घोड़ी हमारे पास है 2018 से, और ये घोड़ी जो इसकी स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव में ये घोड़ी बहुत ही शांत और समझदार घोड़ी है, जो कि अपने मालिक की कमांड मानती है। अगर इसके नज़दीक में या फिर इसके पैर के पास कोई बच्चा भी चला जाए तो ये घोड़ी कभी पैर नहीं उठाती थी, इतनी समझदार ये घोड़ी थी। लेकिन आज ये घोड़ी हमारे साथ नहीं रही। ये अगर राइडिंग की बात की जाए इस घोड़ी की, तो राइडिंग में भी बहुत ही खूबसूरत चलती थी, जो नया आदमी भी अगर कोई बैठ जाए इस पे ले तो ये कुछ तकलीफ उसको पहुंचाती नहीं थी, उसकी कमांड मानती थी, क्योंकि ये घोड़ी थी किसान के पास। किसान के पास जो घोड़ियाँ होती है वो घोड़ियाँ समझदार होती है, क्योंकि किसान उस घोड़ियों से बात करता है। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी राइड कर रही है। इस घोड़ी ने हमारे पास आने के बाद एक बच्ची दी। इसके पहले भी इसने 3 बच्चे दिए थे। ये हमारे पास की चौथी बच्ची है, जिसका नाम हमने कायनत रखा है, और ये बाजी घोड़े से प्रेग्नेंट हमने करवाई थी, तो उससे ये बच्ची हुई है। ये बच्ची भी देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत बच्ची है। ऐसे ही इसी कट कंडीशन के बच्चे इसने पहले 3 दिए हैं। इसकी लाइन का तो हमें पता नहीं था कुछ, हमने किसान से खरीदी थी, जो कि वो भी राइड में ही यूज़ करते थे इस घोड़ी को। तो हमने किसान से खरीदने के बाद हमने इस घोड़ी को प्रेग्नेंट करवाया। किसान से खरीदने के बाद हमने 1 साल के बाद भी इसको प्रेग्नेंट करवाया। 1 साल तक हमने इसको संभाला, अच्छी केयर की इसकी, फिर उसके बाद हमने इसको कवर करवाया, और उसके बाद ये बच्ची दी थी। कुछ इसका आखिरी वक्त का ये वीडियो है। हमारे घोड़ों को ज़्यादा शोर की आदत नहीं है, इसलिए इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। हमारे फार्म के जस्ट बाजू में ही एक डीजे लगवाया था किसी ने, किसी के वहाँ पे फंक्शन था, वो डीजे अचानक से बजने लग गया। हमारी घोड़ी पैडक में छोड़ी हुई थी वहाँ पे, तो पैडक में अचा छोड़ी हुई थी तो डीजे अचानक बजने की वजह से घोड़ी डर गई, डर गई, और उसने यू टर्न ले लिया, फिर अचानक से भागने लग गई पैडक में। इतना भागने लग गई कि उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम मैं कहाँ जाऊँ। इसी वजह से शायद उसके पेट में जो बच्चा था वो बच्चा घूम गया होगा, या फिर वो बच्चा कुछ हरकत हुई होगी, आप हमको तो पता नहीं है, अभी ऊपर वाला ही जानता है क्या हुआ उसके साथ। तो वो घोड़ी भागने लग गई यहाँ वहाँ, और फिर उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गई। हमने उसको दवाई भी दी, लेकिन वो दर्द कुछ कम नहीं हुआ। उसने लीथ पेशाब भी कर ली उस वक्त, हमको लगा सब नॉर्मल है, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद फिर से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हुआ। 1-2 घंटे में ये घोड़ी हमारे साथ से छूट गई। तो अभी ये घोड़ी का आप देख सकते हो आखिरी वक्त में सीसीटीवी फुटेज है, कैसे वो तड़प मतलब तड़प रही थी आखिरी वक्त में। हमने इसका डायग्नोस नहीं करवाया, तो हमें पता नहीं चला कि प्रॉपर इस घोड़ी को हुआ क्या था। अभी लगभग हमारे फार्म पे 5-6 घोड़ियाँ है। 5-6 घोड़ियों में ये घोड़ी से हमको ज़्यादा लगाव था, ये हमारे मतलब दिल के करीब थी, क्योंकि इतनी शांत स्वभाव, अच्छी घोड़ी, राइड में अच्छी चलने वाली घोड़ी, अचानक से ऐसा होने की वजह से हमें थोड़ा सा मतलब बहुत ही दुख हुआ। ये घोड़ी अगर आप उसको आवाज़ लगाते हो तो ये घोड़ी तुरंत आपके पास आवाज़ से ही चली आती थी, इतनी समझदार ये घोड़ी थी। ये किसान के पास घोड़ी थी इसलिए वो कमांड मानने की आदत उसको पहले से ही थी। ये देख सकते हो हमने इस घोड़ी को दफनाना पड़ा। पहली बार हमारे इतने सालों से हम घोड़े रखते आ रहे, पहली बार किसी घोड़ी को हमें दफनाना पड़ा। 2023 जो साल है वो हमारे लिए बहुत ही मतलब बुरा साल कह सकते हो आप, क्योंकि हमारे बहुत सारे लॉस हुए इसमें। एक बच्चा था, 2-3 महीने पहले ही एक बच्चा हमारे हाथ से चला गया। उसका फादर था बाजी, जो कि विराट का बच्चा है और रत्नाकर लाइन से वो आता है। रत्नाकर मतलब उसका ग्रैंड फादर है बाजी घोड़े का। तो वो बच्चा भी हमारे हाथ से छूट गया, और 2-3 महीने में ही ये घोड़ी के साथ भी हादसा हुआ। हम आशा करते हैं कि 2024 जो आने वाला साल है वो हमारे साथ अच्छा जाए, और ऊपर वाला हमारी थोड़ी हेल्प करे ब्रीडिंग में, या फिर कोई भी, हम मतलब हमारे घोड़ों की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छी सेहत देना ऊपर वाले के हाथ में।
हम आशा करते हैं कि हमारे साथ 2024 में कोई हादसा ना हो। अगर आप अभी इस मार्केट में गोड़ी लेने जाओगे इस हाइट की, इस कट कंडीशन की, तो आप सभी लोगों को पता ही है क्या रेट चल रहा है। 100 घोड़ियों में 20 घोड़ियाँ इस हाइट और इस कट कंडीशन की होती है।